तो शीट नंबर 25 में क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, 1 क्लियर है? जब भी करंट वेरिएबल होगा और चार्ज निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, राइट? तो इंटीग्रेट करके आंसर आएगा, और अगर कॉन्स्टेंट होगा फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट? यस सर। 2 में yes. एक वायर है जिसकी लेंथ 4 मीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है मीटर स्क्वायर में, करंट गिवन है क्यू, इसमें एन गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी गिवन है। फाइंड एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर, लंबाई को क्रॉस करना है एक इलेक्ट्रॉन ने। इलेक्ट्रॉन जब वायर में मूव करता है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कितनी लंबाई है उसकी, 4, और अगर मैं इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल दूं डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, VD इज इक्वल टू I बाय NA, आंसर पुट कर लेना आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें, मेथड क्लियर है? इसमें 10^29, अच्छा वो n है ना, ठीक है। हां वो n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो। हां ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट? यस सर। तो करना चाहिए, मुझे पता नहीं लोग क्यों नहीं डाउट पूछ रहे। तो सबसे पहली चीज ये कि अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, एरिया दोनों तरफ से एग्जैक्टली सेम है, तो हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, आर इज रो एल बाई ए, ए की जगह पाई आर स्क्वायर, बात खत्म, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया लेफ्ट का और राइट का एग्जैक्टली सेम है, राइट? क्लियर है यहां तक? अब इसमें बेसिकली क्या है, एरिया एक का अलग एक का अलग है, तो एरिया की वैल्यू दोनों में डिफरेंट है। तो अगर एरिया दोनों में डिफरेंट है तो वैसे तो बनता तो ये है कि हम पहले जब यहां से यहां जा रहे होंगे तो स्मॉल लेंथ लेके हमने क्या करना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करते हुए लेके जाना है, राइट? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब इंक्रीज होगा तो इंटीग्रेशन से रेजिस्टेंस की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, dr, फिर टोटल इंटीग्रेशन से आंसर आएगा। पर बहुत लंबा तरीका है, इसका एक शॉर्टकट है, रो एल बाय एरिया पुट करना है, दोनों एरियाज का ज्योमेट्रिक मीन ले लें। तो मेडिकल के लोग समझ लें, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब दोनों एरियाज का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लें, रूट ए वन ए टू। तो एरिया पहले का पाई ए स्क्वायर, दूसरे का पाई बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके पाई ए बी, आंसर। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट याद करना पड़ेगा, ये शॉर्टकट आया इंटीग्रेशन से, हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, हम सीधा शॉर्टकट कर रहे हैं। तो ये मैंने एक बार शायद पहले भी बताया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के चैप्टर में, एक टेपर्ड वायर्ड है, यंग्स मॉडुलस वाली प्रॉब्लम में यूज होता है ये। लेकिन यंग मॉडुलस क्या होता है, वाई इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, और अगर वायर टेपर्ड है उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है, वो मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, रेजिस्टेंस में भी आया हुआ है वैसे ये क्वेश्चन ऐसा। तो शॉर्टकट याद रहेगा यहाँ तक, ठीक? यस सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट? 4 क्लियर है? ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है 4? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट? नो सर। क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट? देखो yes, कर लेते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट इज 10 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम है किसी बैटरी की, व्हेन इट इज फुली डिस्चार्ज्ड, फुली डिस्चार्ज है, एज द बैटरी गेट्स चार्ज्ड अप इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस टू 1 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ओम हो जाएगी। The battery in its completely discharged state is connected to a charger which maintains a constant potential difference of 9 volt. तो वो कह रहा है कि इस बैटरी की क्या की, चार्जिंग की, और बैटरी की जो चार्जिंग की वो कैसे होगी, किसी और बैटरी से होगी। तो वो जो नई बैटरी लेके आएंगे उसकी वोल्टेज कितनी है इसमें, 9 volt. तो उसकी वोल्टेज 9 volt है, और जो डिस्चार्ज है वो कितनी है, वो 6 वोल्ट है। तो 9 वोल्ट वाली बैटरी 6 वोल्ट को चार्ज करेगी, और जब वो चार्ज हो जाएगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी रह जाएगी उसकी, सिर्फ 1 ओम। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये बताना है, फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी जस्ट आफ्टर द कनेक्शंस आर मेड। आपको करंट बताना है इसमें कि जैसे ही मैंने चार्जिंग डिस्चार्जिंग की तो आपको करंट की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो रूल नंबर 1,
जब आप एक बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज करते हो, तो जैसे ये 9 वोल्ट की बैटरी है, ये 9 वोल्ट की बैटरी है, ये डिस्चार्ज हो रही है। डिस्चार्ज का मतलब इसका करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा। और 6 वोल्ट की बैटरी क्या हो रही है, इसमें चार्ज हो रही है। तो जब 6 वोल्ट की बैटरी चार्ज होगी तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेगा। हाँ, वो पुरानी तो वहीं पर है, वो तो खत्म थी, उसको चार्ज कर रहे हैं। तो ये 6 वोल्ट की बैटरी चार्ज होगी, 9 वोल्ट वाला खाली डिस्चार्ज होगा और 6 चार्ज होगा। तो नेट ईएमएफ क्या होगी इस पूरे डायग्राम की? नेट ईएमएफ में अगर नहीं दिमाग करता प्लस करूं माइनस करूं क्या करूं, अपने मन में किरचॉफ लॉ लगा के देख लो। जैसे आप यहां से कहां जा रहे हो, माइनस से प्लस पे जा रहे हो तो +9, और फिर यहां से यहां आ रहे हो तो प्लस से माइनस पे जा रहे हो -6। और वैसे भी बड़ा सिंपल की बताऊं, जो चार्जिंग कर रही है वो पॉजिटिव है, और जो डिस्चार्ज हो रही है सॉरी वो पॉजिटिव है, और जो चार्ज हो रही है वो नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो होना ही है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना है, तो बड़ी में से छोटी वोल्टेज को माइनस कर दो, बात ही खत्म, नेट ईएमएफ आ गई, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो बड़ी में से छोटी ईएमएफ यानी कि 3 वोल्ट आ गई। तो नेट ईएमएफ पूरे सर्किट की 3 वोल्ट है। जैसे कनेक्शन बनाया था स्टार्टिंग में तो रेजिस्टेंस क्या थी, 10, तो इनिशियल करंट ये था। बहुत देर के बाद रेजिस्टेंस कितनी रह गई, 1, तो ये करंट आ गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? नो ठीक, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट। देखो 7th क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है कि आपको I1 और I2 की रेशियो निकालनी है, और इस फिगर में इसके अंदर I1 क्या है, ये एक डायग्राम छोटा बना हुआ है, बड़ा बना रखा है। तो इसके अंदर ये जो करंट है ना, इस सीरीज में जो बैटरीज कनेक्टेड है वो I1 है, ये I1 करंट है। और यहाँ पर पैरेलल में कनेक्शन है, तो पैरेलल में ये जो करंट दिख रहा है मुझे वो I2 करंट दिख रहा है। तो मुझे I1 और I2 की रेशियो निकालनी है। मतलब बेसिकली मुझे इस वायर में करंट निकालना है, और मुझे इन वायर्स में करंट निकालना है, बात खत्म। और उनकी रेशियो निकालनी है, वो एंड का काम है, पहले करंट आएगा फिर रेशियो आ जाएगी, कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर सबसे पहला काम, जब हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे, किरचॉफ लॉ लगाने की जरूरत ही नहीं है, हमने क्या किया था, दो बैटरी जब सीरीज में है और दो की जगह मैं एक बैटरी लगाना चाहता हूं, तो क्योंकि बैटरी बिल्कुल सीधी कनेक्टेड है, प्लस माइनस, तो टोटल ईएमएफ ऐड हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 6 और 6 12, और टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी इसमें R+this+this। आंसर तो आ गया करंट, बात ही खत्म। इसमें किरचॉफ लगाने की, अगर लगाना है लगा लो, तो क्यों लगाना अननेसेसरी किरचॉफ लॉ। तो टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट सेकंड के अंदर मैंने इसमें, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक लंबा तरीका, आप इन ब्रांचेज में करंट निकालना चाहते हो, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, इस बैटरी ने I1 करंट निकाला, इसने I2 निकाला, और यहां पर मिलकर I1+I2 चले गए, तो आप यहां पर एक लूप लॉ लगाओ, यहां पे लूप लॉ लगाओ, दोनों को सॉल्व करो, आंसर आएगा। मेरे हिसाब से एक लंबा तरीका किया हुआ, एक छोटा तरीका। दो बैटरीज किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल, दो की जगह एक बैटरी लगा लो। जब आप दो की जगह एक बैटरी लगाओगे तो क्योंकि आइडेंटिकल बैटरीज हैं, तो 6 वोल्ट 6 वोल्ट विल गिव 6 वोल्ट, 6 6 विल गिव 6। और इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी क्या होगी, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस एक और एक मिला के 0.5 हो जाएगी, राइट? क्या ये पॉइंट क्लियर है? और एक्सटर्नल की वैल्यू तो एज इट इज कितनी है, 0.1 ही है। तो मैं अगर ये पूछूं इसमें करंट क्या होगा, तो आप बोलोगे करंट होगा 6 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 0.1। ये भी क्लियर है यहां तक? तो कितना आ गया करंट, 6 डिवाइडेड बाय कितना, 0.6। ठीक, तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 ऊपर चला गया, तो कितना, 10 एम्पियर हो गया। तो इसमें 10 एम्पियर करंट आया, लेकिन ये बैटरी बनी किसकी हुई है, तो आइडेंटिकल बैटरी से, तो एक्चुअल में करंट तो दोनों निकाल रही हैं और आइडेंटिकल हैं, तो ये कितना निकाल रही है, 5, ये कितना निकाल रही है, 5, तो आंसर 5 5 एम्पियर है। अब जो निकालना निकाल लेना, आंसर आ गया। तो मेरा काम था करंट निकालने का, मैंने करंट निकाल दिया। तो इसके अंदर क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर था नहीं है, कि डायग्राम बहुत छोटे बने हुए, समझ नहीं आ रहा, पर मैंने करंट निकाल दिया। ठीक, सर, ये दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में, तो हाँ, ये दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस है, सर ये सीरीज में, पैरेलल में है दूसरे केस में,
तभी तो मैं वन और वन मैंने तभी तो 1 और 1.5 बोला मैंने। ओके सर, यस सर। ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। अच्छा ये अभी करेंगे, ये रुक जाओ, अभी आने वाला है उसमें, नेक्स्ट शीट में। इस क्वेश्चन का आंसर इसमें डाउट है सर। डाउट है, एम यस मीटर का सर। कोई काम नहीं, एम मीटर सिर्फ रीडिंग देता है करंट की। तो क्वेश्चन है कि A1 एम मीटर 2.4 एम्पियर रीड कर रहा है, और ये 20 है और ये 10 है, और आपको इसमें एम मीटर A2 A3 की वैल्यू निकालनी है, और ये 30 है। रूल नंबर वन, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस पता है और इसमें करंट पता है, तो V इज इक्वल टू आई आर मल्टीप्लाई करके V की वैल्यू आ गई। तो V की वैल्यू आ गई, जो यहाँ V है वो यहाँ V है, तो 48 और ये 48 है। तो यहाँ वोल्टेज पता है, यहाँ रेजिस्टेंस पता है, यहाँ से करंट आ गया, तो यहाँ से करंट की वैल्यू आ गई। तो ये करंट आ गया, यहाँ से ये करंट आ गया, तो इन इसमें करंट क्या होगा, इन दोनों का एडिशन होगा, आंसर खत्म। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट में डाउट? नो सर। नेक्स्ट में डाउट? यस सर। इसमें शॉर्ट सर्किट देख रहे हो वायर, ये शॉर्ट सर्किटिंग वायर है, ध्यान से, बड़ी खतरनाक होती है, जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होती, लगती देखने में लगती नहीं, पर एक्चुअल में गेम की प्ले करती है। कैसे? जब यहां से करंट आएगा, पहली बात तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, बैटरी उल्टी कनेक्टेड है, सीधी नहीं है, तो नेट ईएमएफ क्या होगी, बड़ी में से छोटी ईएमएफ को माइनस कर दो, 4 में से 2 गया 2 वोल्ट, तो ईएमएफ 2 वोल्ट है। नेट रेजिस्टेंस देखें, रेजिस्टेंस में ये यहाँ पे करंट जाएगा, बिल्कुल जाएगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी वायर मिल गई जिसकी रेजिस्टेंस ही नहीं है, सारा करंट यहाँ से बाईपास होकर यहाँ जाएगा, इसमें करंट ही नहीं जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस में 4 और 8 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ऊपर वाली रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं रहेगा इसमें, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। टर्न क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट? यस सर। क्या ये नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट के अंदर भी था ऐसा मिलता जुलता, मेंस में ऐसा ही था, यही था क्या, यही था, ऐसा था, बिल्कुल किया आपने, हो गया, किसी भी नहीं हुआ। तो इस फिगर के अंदर 3 रेजिस्टेंसेज हैं, इसके अंदर आपको क्या गिवन है, पोटेंशियल ए बी सी पे गिवन है। ए पे पोटेंशियल 30 वोल्ट है, यहां का पोटेंशियल 12 वोल्ट है, यहां का पोटेंशियल 2 वोल्ट है। अब यहां रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, आपको ये बताना है कि इनमें करंट्स क्या होंगे। रूल नंबर वन, ये जो जंक्शन है, यहां का वोल्ट क्या होगा पता नहीं, यहां का पता है, यहां का पता है, यहां का पता है, यहां का पता नहीं, तो मान लो एक्स है, तो एक्स वोल्ट है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो भी करंट आया I1, उसमें से कुछ ऊपर जाएगा I2, कुछ नीचे आएगा I3,
तो टोटल करंट आई वन क्या होगा, आई टू प्लस आई थ्री। इसमें ये बताओ कि आई थ्री, इसमें आई वन क्या होगा, क्योंकि करंट यहाँ जा रहा है तो 30 वोल्ट हायर है और एक्स लोअर पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 30 माइनस एक्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस 30 माइनस एक्स इज आई वन इंटू 10। नेक्स्ट है एक्स माइनस 12 इज आई टू इंटू 20। नेक्स्ट है एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू आई थ्री इंटू 30। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो एक काम करो, यहाँ से आई वन निकाल लो दिस अपॉन 10, आई टू निकाल लो दिस अपॉन 20, आई थ्री निकाल लो दिस अपॉन 30, पुट करके एक्स आ गया, एक्स आ गया, फिर एक्स को यहाँ पुट करके आई वन आई टू आई थ्री कैन बी कैलकुलेटेड। ओम लॉ लगाया है तो मान लो एक्स वोल्ट है ना, तो ओम लॉ पोटेंशियल डिफरेंस इज करंट इंटू रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज करंट इंटू रेजिस्टेंस, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई इंटू आर, आई इंटू आर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे आंसर आएगा। यहाँ तक नेक्स्ट खत्म हो गया।